गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आप सभी को शायद पता चल ही गया होगा, मैंने ऑलरेडी ये ग्रुप में इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है, पर अगर आपको अभी तक पता नहीं चला है तो मैं बता दूं कि हम लोग जीत चुके हैं इस केस को और हमारे फेवर में जजमेंट आया है। और जजमेंट क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, जो रिज़ल्ट है अपना, मतलब जो कट ऑफ बनी थी, पहले आपको पता है जनरल की 196 गई थी और जो कट ऑफ है, तो अब कट ऑफ जो है प्री एग्ज़ाम की, जो अपना रिटर्न टेस्ट था, वो कट ऑफ वापस रिवाइज होगी। ठीक है, अब नई कट ऑफ बनेगी, पूरी की पूरी कट ऑफ। तो नई कट ऑफ बनेगी, अब नई कट ऑफ में क्या है, अब न्यू कट ऑफ कितनी भी रह सकती है। अब जनरल की आप मान के चलो कि 230 के आसपास रहेगी कट ऑफ, या 220 मान लो, इतनी कट ऑफ तो रहेगी रिटर्न में। बाकी कैटेगरी वाइज फिर अपने आप एवरेज कर लेना। तो मैं ये बता रहा हूँ आपको कि जो भी रिजर्व कैटेगरी से है, और अगर आपके 215 या 210 मार्क्स हैं आपके, तो आपका स्ट्रॉन्ग चांस है आप टाइपिंग आज से शुरू कर दो। और देखो, मैंने मतलब अभी ये जजमेंट की कॉपी नहीं आई, अभी प्रोनाउंस हुआ है जजमेंट, और ये जजमेंट आ चुका है, शाम तक कॉपी भी मिल जाएगी आपको। तो मैंने सोचा सबसे पहले आपके साथ शेयर कर दूँ। तो और इसमें भी मैं आपको बता दूँ कि कुछ एडवोकेट्स आज प्रेजेंट थे, तो जिनमें थे आशीष नागरवाल, जिन्होंने स्टूडेंट्स के लिए बहुत मेहनत करी है, और मतलब कई कई एडवोकेट्स हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स के फ़ोन मतलब एवरी टाइम आंसर करे हैं। तो आर्यन माथुर साहब थे, आशीष नागरवाल है, इसके अलावा शोभित झाझरिया है। तो ये कैंडिडेट, ये एडवोकेट्स हैं जिन्होंने बहुत मेहनत करी है। और इसके अलावा मैंने जितना हो सकता था, मैं आपको जेन्युइन न्यूज़ देता हूँ कि कब, जो मैंने कल आपको बता दिया था कि आज जजमेंट आ जाएगा और अब प्रोनाउंस हो चुका है। तो ये है गाइस, तो आप देखो, आप सभी के लिए खुशी की बात है। अच्छे से टाइपिंग करना, सिलेक्शन लेना, और जितना लड़ाई लड़ सकती थी हमने लड़ ली है, जीत गए हैं। और अब उन सबके मुंह बंद हो जाएंगे जिन्होंने बहुत नेगेटिव बोला था कि कुछ नहीं होना जाना, पैसे हो गए, बर्बाद हो गए। वी वॉन गाइज, वी वॉन। अब आपके ऊपर आप कितनी मेहनत करके टाइपिंग में अपना सिलेक्शन ले सकते हो, अब मत हारना गाइज। अगर आपके 210-215 मार्क्स हैं तो बिल्कुल नहीं हारना है, अपना 100% दे दो। ये एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है आपके पास। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मेरा नंबर आपके पास है ही, आप उसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बने रहिएगा, थैंक यू सो मच, एंड हैव अ ग्रेट डे। और एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।